नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ एक सेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए, पहले ही बता देता हूं कि अभी वीडियो देखने के बाद तुरंत जाके मत ले लेना, लेकिन जब गिरावट हो तब जरूर लेना। ये ऐसा सेक्टर है जिसकी ग्रोथ क्लियरली आपको दिख रही है, लेकिन फिर भी आप पैसा नहीं लगा रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है शेयर्स के प्राइस बहुत बढ़ गए। जैसा कि मैंने अभी भी बोला कि भैया अभी जाते ही मत ले लेना, क्योंकि आज तो लिटरली बढ़े हुए हैं बहुत ज्यादा। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई पहले क्यों नहीं बताए, तो मैं तो आप सभी के साथ डेली बेस पे वीडियो बना रहा हूं। कल भी मैंने आपके साथ शेयर की थी और परसों भी शेयर की थी, और इनमें से एक शेयर मैंने हमेशा आपके साथ शेयर किया है और 350 रुपए के भाव पर पहली बार शेयर किया था आपके साथ। आज शेयर का भाव 550 है, और पहली बार ऐसा नहीं है, बहुत समय हो गया, ज्यादा से ज्यादा 8 महीने या 10 महीने करीब होंगे मैक्सिमम। अब पहले बता देता हूं सेक्टर का नाम। सेक्टर का नाम है रियलिटी सेक्टर। रियलिटी स्पेस की बात की जाए तो यह बड़ी तेजी चल रही है, और ऐसा नहीं है शेयर्स भाग रहे हैं, कंपनियों की ग्रोथ दिख रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस जगह मैं रह रहा हूं यहां पे बिल्डिंग बाद में बनती है, बिग पहले जाती है, इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग चल रही है। इस क्षेत्र की बात की जाए तो 3 कंपनीज के क्वार्टरली अपडेट आए हैं, और तीनों शेयर पता है क्या कर रहे हैं, 10% से ज्यादा की तेजी दिखा रहे हैं। ये आपको क्लियरली दर्शा रहा है कि किस हिसाब से तेजी चल रही है इस स्पेस में, ग्रोथ कितनी है, और ये शेयर्स क्यों भाग रहे हैं। एक एक करके सारी चीजें कवर करते हैं। पहले मैं आपको तीनों स्टॉक्स के नाम बताना चाहता हूं जिनमें तेजी है, बाकी फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पर्सनली मुझे कौन सा स्टॉक इस स्पेस से पसंद है। ये जो अपडेट है, ये अपडेट है 3 स्टॉक्स की जो आई है, बाकी उन कंपनी से भी अपडेट नहीं आई है, लेकिन जो पसंद है वो दूसरे स्टॉक्स हैं, ठीक है। पहले स्टॉक का नाम है अजमेरा रियलिटी, 12.5% ऊपर है। जस्ट अभी 8 मिनट पहले कंपनी ने अपनी सेल्स सामने रखी है। कंपनी सेल्स सर्ज 52% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन Q2 FY24। साल दर साल Q2 की सेल देखो तो 52% बढ़ गई है, तो नंबर तो ऑब्वियस सी बात है शानदार आने हैं। साथ ही साथ कंपनी एक्वायर्स 3 न्यू प्रोजेक्ट विद अ GDV ऑफ 800 करोड़ रुपीज, ठीक। तो पहला तो हो गया अजमेरा रियलिटी, जिसमें आज अपडेट आई और शेयर का प्राइस 13% ऊपर हो गया है अभी। दूसरा शेयर है पूर्वांकरा लिमिटेड। कंपनी की Q2 की सेल वैल्यू आई है 1600 करोड़ की, जो कि साल दर साल 102% ऊपर है, 102% मोर देन 100% का जंप है। इस स्टॉक का भाव 8% की तेजी में देखने को मिल रहा है अभी। और तीसरा स्टॉक है जिसकी सेल्स आपके लिए आई थी परसों, और स्टॉक का नाम है प्रेस्टीज स्टेट। कल तो बाजार की गिरावट के चक्कर में गैप अप ओपन होने का नीचे आ गया, लेकिन आज जैसे ही बाजार सुधरा 15% भाग रहा है ये शेयर, और ऐसा नहीं है गैप अप हुआ है, नॉर्मल खुल के यूं जा रहा है शेयर, अभी 15% ऊपर है। इस कंपनी की जरा सेल देखो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 102% ऊपर है, और अगर आप H1 FY24 यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर देखोगे, आप देखिए फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट हाफ ही हुआ है, साल का 10वां महीना शुरू हो गया है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर आपका मार्च से होता है, तो उसके 6 महीने ही हुए हैं अभी, ठीक है जी, फर्स्ट अप्रैल से होता है, मार्च 31 को खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर, तो उसके 6 महीने हुए, तो 6 महीने की बात करी जाए तो वो 69% ऊपर है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले, और शेयर का प्राइस 15% ऊपर है। अब मैं इसी स्पेस की बात करूं तो आज तो ये मार्केट को लीड करने का काम कर रहा है, लगभग 4% तो सेक्टर ही ऊपर है। अब मेरे पसंदीदा शेयर्स कौन से रहे हैं, देखिए प्रेस्टीज स्टेट जो आज लगभग 750 रुपए का हो रहा है, 750 का ये शेयर मैंने आपके साथ 450 रुपए पे शेयर किया था, खरीद लो, 600 रुपए का लक्ष्य है, 600 रुपए का लक्ष्य है, और ये 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, जब हमारा चैनल स्टार्ट ही हुआ था तभी मैंने आपके साथ इस स्टॉक को बात करी थी। साथ ही साथ अब मैं आपको अगर अभी के हिसाब से टॉप बेट्स बताऊं तो DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज स्टेट्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लोदा यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स। अब इन तीनों स्टॉक्स की बात करें तो DLF तो कल भी आपके साथ 520 पे शेयर किया था, परसों जब ये मार्केट में करेक्शन आई थी उस दिन 510 रुपए करीब था, तब भी आपके साथ शेयर किया था कि ये तो मौका है ले लो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, प्रेस्टीज स्टेट 15% आज भागा हुआ है, तो आज तो आप खरीदने का मतलब ही नहीं बनता। बाकी के स्टॉक्स आप डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स करके होल्ड करेंगे, देन डेफिनेटली यहाँ पैसा बनने की पूरी उम्मीद है। कंपनी की सेल्स नंबर देख सकते हो आप कितने हाईएस्ट आ रहे हैं, मार्केट में निकल के डिमांड देख सकते हो, और भारत की इकोनॉमी रियल एस्टेट से ही क्लियरली जो होती है आप मतलब संकेत जो होते हैं ना वो रियल एस्टेट से ले सकते हो।
कि रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है तो इकोनॉमी अच्छा कर रही है, और इकोनॉमी आपको दिख रहा है कितनी शानदार कर रही है। तो मेरे को लगता है ये क्षेत्र है, ये स्टॉक्स हैं, बहुत बढ़िया पैसा बना के देंगे। इनफैक्ट मैंने एक थीम भी बनाई थी कि रियल एस्टेट में बूम है, ये पांच सेक्टर बड़ा फायदा दे सकते हैं, पांच स्टॉक जिसमें घर में ही यूज होने वाली चीजें लाइक पाइप, वायर्स, सेरा सैनिटरी वेयर के, जो आपके सेरा सैनिटरी वेयर शेयर किया था मैंने, वैसे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी टाइल्स बेचती हैं उसके लिए मैंने अलग शेयर आपके साथ कजारिया शेयर किया था। फिर आप फर्निशिंग का काम कराते हैं तो उसके लिए सेंचुरी टेक्सटाइल शेयर किया था, तो ये सारे स्टॉक, और पेंट के लिए तो एशियन पेंट हमारा वन ऑफ द फेवरेट है ही, तो ये सारी चीजें शेयर करी थी। तब से अभी तक भी स्टॉक ने लगभग 20-20% के रिटर्न दे दिए, तो आप डेफिनेटली जहाँ ग्रोथ है वहां पैसा लगाओगे, पैसा बन रहा है। ये मेरी तरफ से भी आपके लिए वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।